स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम बाढ़ का स्थिति आपको दिखाने वाले हैं। मेरे गांव के समीप आ चुका है पानी, तो अभी हम जाएंगे नहाने के लिए और गांव के चारों तरफ का वीडियो आपको दिखाऊंगा, तो लगे हुए रहिए। रे वीडियो खराब करेगा तू, पीछे से चड्डी दिखा रहा है, इधर देख लीजिए पहले। अब जहाँ तक जा सकते हैं राजा भैया, जितना दूर चल जाइए। चल घर चल तनी सर, कल से नहीं करेंगे, इसका मन नहीं भरता। लेकिन मेरा फ्रेंड दो ना, थोड़ा सा बताएंगे लीजिए। हम तैरने बहुत थोड़ा बहुत जानते हैं, लाइफ जैकेट से कुछ दूर गए, बड़ा मज़ा आया। जिसको तैरने नहीं आता है लाइफ जैकेट लीजिए, हम मज़ा लीजिए बाढ़ का। अभी हम अपना गांव के समीप एक दूसरा गांव जो कि बड़ी कुजना गांव का नाम है, और ये सड़क से होते हुए चल रहे हैं। रास्ते में पानी पड़ गया है जो आन जान में काफ़ी दिक्कत है, तो आपको दिखा रहे हैं बैक कैमरा से। अब तो भाई बाढ़ आ चुका है और कहीं बाहर जाने की संभावना है नहीं, लेकिन बाढ़ से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होगी हम चैनल पर लाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाँव का बहुत सारा बाढ़ से लाभ उठाता है और कुछ हानि भी होती है, तो ऐसा टाइप का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे देखिए, ये रहा मेन रास्ता बड़ी कुजना जाने के लिए, जो हम लोग रेगुलर इसी रास्ते से जाते हैं और पूरे रास्ते में पानी हो। यहाँ थोड़ा कम है बट उस जगह ज़्यादा हो गया है, उस जगह जहाँ लड़के लोग पानी फेंक रहे हैं उस जगह ज़्यादा हो गया है। मेरा पार्सल आया हुआ था तो कुछ अपना ही भाई जैसा एक है, तो उसको हम बोले लेते आओ इधर से, पैसा दे देते हैं। पार्सल वाला उस तरफ खड़े हुए हैं, अभी देखिए आगे क्या हो रहा है। साइकिल इस जगह लगा दिए हैं साइकिल, और चलते हैं आगे थोड़ा पैदल, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। और पैसा दे दिए पार्सल वाला को, जाके वो पार्सल लाएंगे और इसी तरफ रहेंगे। बीच में ज़्यादा गड्ढा है, खतरा है, तैरने बहुत कम आता है ना, इस कारण से जाते नहीं हैं। और देखते हैं, बच्चे लोग भी नहा रहे हैं। हाय कर दीजिए। हेलो। और ये भाई आ गया मेरा पार्सल लेके, और ये पार्सल आ गई फ्लिपकार्ट और से, और ये भाई पहुंचाया, तो थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। और बहुत काफ़ी पानी है। बहुत पानी है आगे, बहुत पानी है।
अगर आपके इलाके में अगर पानी वगैरह आए तो जो तैरने नहीं जानता है उसको सावधानी से तैरना चाहिए। जो दो चार लोग अगर तैरता हो उस समय तो ही आप लोग पानी में उतरिए, क्योंकि पानी में कोई अपना नहीं होता है, बचाने वाला भी थोड़ा बहुत पैसा समस्या में पड़ जाता है, किधर से बचाएं किधर से ना बचाएं। तो इसलिए आपका जब तक दिल ना कहे कि तैरें तब तक पानी में ना उतरें। और ये तो रही कुछ ज़रूरी बातें। और बाढ़ से पूरा मतलब कि मेरा गांव घिर चुका है पानी। आप तो जानते हैं कि साहेबगंज ज़िला एकमात्र ऐसा ज़िला है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है झारखंड का। बोलिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो तो लगा। हम लोग नहाने दो, नहाए भी वगैरह, बहुत मस्ती की। तो आप लोग भी थोड़ा सा सचेत रहिएगा, बार बार बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आप अपना ख्याल रखिएगा।